behavior of a person. The behavior of a person is called a psychology. ठीक है ना, साइंटिफिकली वो किस किस तरीके से बिहेव कर रहा है ये साइकोलॉजिस्ट बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं. एंड इन सम एक्सटेंट इवन द टीचर्स आर साइकोलॉजिस्ट. ठीक है ना, इतने एक्सपीरियंसेस और स्टडी के बाद उन्हें बच्चे के बिहेवियर से पता चल जाता है कि वेदर ही इज इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, ही वॉन्ट टू अटेंड, ये सारी चीजें उसके द्वारा हमें भी आसानी से पता चल जाती हैं. अब दिस साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स, क्योंकि हम स्पोर्ट्स के बारे में कर रहे हैं. तो व्हाट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होगी बेटा? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. ठीक है ना, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ अ साइंस वेयर वी कैन डील विद द एथलीट, हिज बिहेवियर इन द फील्ड. ठीक है ना, एंड व्हाइल प्लेइंग आल्सो उसका क्या बिहेवियर है उसके बारे में सारा कुछ जो हम पता करते हैं उसे हम कहते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. ठीक है ना, स्पोर्ट की वेदर ही इज प्लेइंग विद द अलोंग विद द गेम्स विद द रूल्स और नहीं, ये सारी चीजें हमें जो है वो कैसे पता चलती हैं, वो हमें उसके बिहेवियर, उसके एक्ट, उसके एटीट्यूड के द्वारा पता चलती. Now the question is, what is personality? Personality क्या चीज है? बड़ा ही vast topic है कि personality क्या होती है. Can anyone tell what is personality? Personality किसको बोलेंगे बेटा, कोई बताएगा? Yes, you can write and tell if you don't want. हाँ ठीक है, किसी की सबसे पहली जो personality हम है उसे count करते हैं उसके physical appearance. वो देखने में कैसा है, देन हाउ ही स्पीक्स. पर्सनल अपीयरेंस के अंदर आती है उसकी हाइट, वेट, ठीक है ना, उसकी लुक कि वो किस तरीके का है, किस तरीके से, देन उसका बिहेवियर किस तरीके से वो सोसाइटी में या फ्रेंड्स में या अलोन, हाउ ही वर्क्स या किस तरीके से वो रिएक्ट करता है उसके बारे में आता है हमें, उसकी हैबिट्स के बारे में आता है कि उसकी आदतें कैसी हैं. इट इंक्लूड्स इन द पर्सनालिटी. और तो और हम कहते हैं कि इसकी इनर और आउटर जो दोनों चीजें जो है बेटे, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी जो है उसकी, उसे हम पर्सनालिटी में काउंट करते हैं कि किसी की पर्सनालिटी क्या है, जो उसकी टोटल इनर और आउटर कैपेबिलिटी है वर्किंग की या बिहेवियर जो है उसको हम पर्सनालिटी में काउंट करते हैं. ठीक है ना बेटा, अब ये जो है स्पोर्ट्स में क्या फैक्टर्स काउंट होते हैं इसके, इसके स्पोर्ट्स में है कॉग्निशन या कॉग्निटिव माइंड से रिलेटेड, कि वो गेम को किस तरीके से लेता है, उसके रूल्स और रेगुलेशन को कैसे फॉलो करता है व्हाइल प्लेइंग, कैसे वो प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट आने पर उससे टैकल करता है, या अपने जो मेट्स हैं या टीम पर्संस हैं उनके साथ वो कैसे बिहेवियर है उसका, वेदर इफ ही इज अ टीम लीडर और अ टीम कैप्टन, हाउ ही बिहेव्स विद अदर, ये सारी चीजें क्या आती हैं, ये उसके फैक्टर्स जो हैं वो गेम्स के अंदर काउंट होते हैं हमारे नॉर्मली. ठीक है ना बेटा, इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हम कॉमन सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में या किसी में भी किस तरीके से हैं, बैलेंस हैं कि नहीं है, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, अपने जो ओपोनेंट्स हैं उनके साथ भी हमारा जो बिहेवियर है वो किस तरीके से है, हम किस तरीके से अपना आप को शो करते हैं, शो इन द सेंस What we are, वो ही हमने शो करना है, दैट इज कॉल्ड द साइकोलॉजी. ठीक है ना, ये है पर्सनैलिटी से साथ जुड़ता है. अब पर्सनैलिटी को हम डायमेंशन कैसे करते हैं, उसे कैसे नापते हैं, या कौन कौन से तरीके से हैं जिससे हम कह सकते हैं कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी तो बहुत है, ठीक है, या ही इज हैविंग अ गुड पर्सनैलिटी. तो उसके अंदर आता है हमारा पहला, That is a physical personality. ठीक है, physical dimension के अंदर हम इसको लेते हैं. दूसरा है हमारा mental.
डायमेंशन है। तीसरा है हमारा सोशल और नेक्स्ट वन इज हमारा है इमोशनल। अब है पहला है फिजिकल। ऑब्वियसली वर्ड अपने आप में ही क्लियर करता है, फिजिकल का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। हमारी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है? ऑब्वियसली जो गुड लुकिंग होते हैं कैसे हैं कोई जरूरी नहीं है, गुड लुकिंग में आता है देयर गुड हाइट, वेट अकॉर्डिंग टू द हाइट, वे ऑफ पोस्चर जो है। तभी आपको बार बार कहा जाता है ना क्लास में जब मैम बोलते हैं कि बेटा सिट प्रॉपरली, सिट स्ट्रेट, व्हाट डज इट मींस। अगर स्ट्रेट खड़े हैं ऑब्वियसली इट एड्स टू आवर पर्सनालिटी। अगर वही हम हंच या राउंड शोल्डर्स के साथ बैठेंगे या हम कभी ऐसे हो रहे हैं या ऐसे, तो ये क्या है, ये हमारी पर्सनालिटी को माइनस करने में हेल्पफुल है। वेयर एज सिटिंग स्ट्रेट, कीपिंग द बैक स्ट्रेट, हमारा पोस्टर जो है अगर करेक्ट है, हमारी लुक वाइज हम अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली इम्प्रेसिव हो जाते हैं लोगों की अट्रैक्शन जो है वो। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट लुक जो है वो हमारी देखने की चीज को है कि हमने किस तरीके से अपीयर होना है। नो डाउट हेरिडिटरी करेक्टर्स भी आते हैं, लेकिन हमारे खुद के द्वारा भी जो है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जा सकता है। समटाइम्स पीपल दे हमारी ये हेरिडिटरी है कि ये मोटा ही रहेगा। नो, एफर्ट्स ऑलवेज गिव्स अ गुड रिजल्ट, ठीक है ना। इसलिए अगर हम एफर्ट करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो हम अपनी पर्सनालिटी को अच्छा करने में बहुत ही हेल्पफुल हो जाते हैं, ठीक है ना बेटा। हमारी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रहेगी, फिजिक या बॉडी फिगर जो है वो एक अच्छा रहता है। ये है एफर्ट्स के साथ करना। फिजिकल अपीयरेंस जो है वो सबसे पहले हमारी जो है उसमें पोस्चर काउंट होता है, हमारा वे ऑफ वॉकिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, टॉकिंग टू अ पर्सन, उस समय हम किस तरीके से बिहेव करें या हमारे जेस्चर्स क्या हैं, ये सारी हमारी फिजिकल डायमेंशंस को काउंट करती है हमारी पर्सनालिटी की, ठीक है। आमतौर पर कई लोगों को देखा गया वो ऐसे ही खड़े रहेंगे, पीछे को हाथ कर लेते हैं, कभी हाथों को मोड़ते रहते हैं, दैट मीन्स समथिंग इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड और दे आर हैविंग सम कॉम्प्लेक्स। तो इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं? कॉन्फिडेंट कब होते हैं हम? जब हमें नॉलेज हो। नॉलेज कब होगी? जब हम कुछ अर्न करेंगे। अर्न कब करेंगे? जब हम उसे टाइम देंगे। टाइम देने पर ही हमारा हर चीज जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। इज इट क्लियर बेटा? इसलिए टाइम मैनेजमेंट इनडायरेक्टली हर जगह अ मेजर रोल जो है वो प्ले करती है हमारी लाइफ में, ठीक है। हाउ टू मैनेज द टाइम, हाउ टू गिव द टाइम, हमारी डाइट जो है वो इस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, ठीक है। क्योंकि बॉडी को, हर एक चीज के बॉडी के सिस्टम को सेट करने में हमारी डाइट, हमारी एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं। और जब हमारी डाइट या हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, क्या है, हमारी क्रिएटिविटी, इनोवेशन बढ़ेगा, हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो डिफरेंट होगा। अब सेकेंड जो आता है इसका डायमेंशन वो है मेंटल, ठीक है। हमारा थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, हम दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं या नहीं, हम हमारा बिहेवियर इन आर ग्रुप, इन आर क्लास, इन आर प्लेग्राउंड कैसे हैं, अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं या टेक्निक्स जो है उसे चेंज करना है ऑन द स्पॉट, या स्ट्रेटेजीज कौन सी फॉलो करनी है, इसके बारे में हमें सोचना, विचारना, ताकि हमारा रिजल्ट जो है वो एक अच्छा आए। हमारी इंटेलिजेंसी, ability to resolve the problem, adjust with our mates, ये सारी चीजें किसके अंडर आती हैं? ये सारी की सारी हमारी mental dimensions के अंदर आती हैं कि हमने किस तरीके से, अगर कोई हमारी opposite behavior का भी हमारे साथ है,
पार्टनर, तो वी हैव टू डू द वर्क इन अ स्मूथ मैनर सो दैट वी कैन गेट अ गुड रिजल्ट. पेशेंस का होना, ठीक है ना, पेशेंस इसमें नहीं, लेकिन हमें अपने माइंड को सेट रखना, अपने माइंड को बैलेंस रखना, एग्रेसिव नहीं हो जाना, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, ये मेंटल डायमेंशंस के अंदर आती हैं, जो हमारी पर्सनालिटी को क्या करती हैं, और ज्यादा अच्छा बना देती हैं. आमतौर पर क्या होता है, फर्स्ट अपीयरेंस के बाद पहले पहले हम देखते हैं, कहते हैं ओहो ही इज अ गुड लुकिंग और शी इज अ गुड लुकिंग, चलो हम इसके साथ फ्रेंडशिप करते हैं. बट आफ्टर फ्यू डेज वी लीव दैट कंपनी. व्हाई? बिकॉज उसका और मेरा मेंटल लेवल नहीं मिल रहा, उसका बिहेवियर जो है वो अच्छा नहीं है, वो जो है सोशली अच्छी नहीं, या बहुत ओवर है, या इंट्रोवर्ड है, या एक्सट्रोवर्ड है, ये सारी चीजें बाद में देखी जाती है, ठीक है ना बेटा. अब आता है हमारा सोशल डायमेंशन. सोशल डायमेंशन क्या है? हमारा अपने पर या अपनी लुक की तरफ देखना अलग बात है, लेकिन हमारा उसके साथ साथ हमारी सोसाइटी के साथ हमारा किस तरीके से बिहेवियर है. एंड व्हाट इज सोसाइटी? जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा आसपास जो है वो हमारी सोसाइटी है. हम अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी मूव करते हैं. क्या चीज़ें गलत हैं तो उसे हम ठीक करने में हेल्पफुल हैं, क्या हम एक अच्छी चीज़ गुड सिटीजन बनने में हेल्पफुल हैं, दूसरों को बनाने में हेल्पफुल हैं या नहीं है, ये सोशल डायमेंशंस के अंडर आती हैं चीज़ें, ठीक है. हमारे एक्सेप्टेंस, सोशल चीज़ों को एक्सेप्ट करना कि सोसाइटी में इस तरीके का बिहेवियर नहीं टॉलरेबल है. जैसे आम घरों में या आम देखा जाता है या मूवीज में नॉर्मली हम देखते हैं कि हाउ द पीपल बिहेव, बहुत ऊंची ऊंची जोर से बातें करना, अननेसेसरी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, जिस जहां पर रहना उस लोकेलिटी में ऑलवेज कीप्स ऑन फाइटिंग, ऑलवेज फील योर सेल्फ टू बी द हेड, है ना, या एवरी वन शुड गिव मी द इम्पोर्टेंस. अगर इम्पोर्टेंस चाहिए तो उसके लिए क्वालिटीज भी चाहिए. हमारी क्वालिटीज का होना भी बहुत ही जरूरी है. यही हमें क्या करेंगे, इफेक्टिवनेस दिखाओ अपनी, ठीक है, कि वाकई ही, एंड इट शुड नॉट बी अ फेक, ठीक है ना, क्योंकि पर्सनालिटी जो है इट्स अ लैटिन वर्ड, परसोना से बना है, जिसका मतलब मास्क. मास्क का मतलब कवरेज. कवरेज जो है इनर और आउटर जो है वो एक जैसी होनी चाहिए, ना कि इंटरनली वी आर हैविंग अ ill feeling for others and we are behaving in a bag, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं. Our personality should be a correct one. हमें उस तरीके से ही करना चाहिए और उस चीज को लेना चाहिए जो जिसकी survival for the long time हमारे साथ, ठीक है. इसलिए हमारा behavior towards our society, the responsibilities, our responsibilities towards our society, बिकॉज वी आर अ यूनिट ऑफ अ सोसाइटी, तो हमारा कैसे होना चाहिए इसके बारे में ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है. उसके बाद आता है इमोशन डायमेंशन, ठीक है बेटा. एज वी नो इट इज अ दिस पर्सनैलिटी एंड द बिहेवियर इज चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर एक की यूनिक क्वालिटीज हैं, किसी में कुछ क्वालिटीज होती हैं, किसी में कुछ ट्रेट्स होते हैं, लेकिन इमोशंस जो हैं उसके बारे में पता होना, उसके बारे में लर्न करना, ये बहुत ही जरूरी है कि हमें किस सिचुएशन में किस तरीके की शब्दावली का, किस तरीके का बिहेवियर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है बेटा. इफ समबडी इज इन अ प्रॉब्लम देन हाउ एंड व्हाट वर्ड्स अलोंग विथ व्हाट हेल्प्स वी कैन यूज इट, उसे हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. अगर कोई हमारा फ्रेंड या हमारे नोन या अननोन पर्सन जिसे वहां पर इमोशंस किस तरीके से शो करनी है हमें पता होना चाहिए. खेलते समय हमें अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, ईगो को कंट्रोल में रखना चाहिए, ठीक है ना. हमारे में अगर ईगो है, एग्रेसिवनेस है, तो वो चीजें साइड पर होनी चाहिए. मोटिवेशन, अ गुड वर्ड्स शुड बी देयर, जो दूसरे को मोटिवेट कर सकें, ठीक है, जो किसी के उत्साह को बढ़ा सकें. हमें उन शब्दों का ये कह देना, इसे कुछ नहीं आता,
ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, नो बेटर लीव हिम, या कुछ नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द कंडीशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है, उसके बाद अपने ही गेम में या अपने ही सोसाइटी में या अपने ही जगह पर जहाँ पर हम रह रहे हैं हमारा लिविंग जो है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना बेटा, एंड दे नीड अ सपोर्ट एट दैट टाइम इन अ क्रूशल टाइम एंड इन अ डिफरेंट टाइम, ठीक है. लेकिन हमारी जो इनर कैपेबिलिटी है उसे हमने स्ट्रॉन्ग बनाना ही बनाना है. वैसे तो ये एग्जाम्पल डेली आपको कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी ये देना है जरूरी है. ड्यूरिंग दिस पीरियड, दिस इज अ क्रूशल पीरियड, ठीक है, जहाँ पर सेहत से लोग मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयमेंट हुई है, तो यहाँ पर हमारा दूसरे को सपोर्ट देना बहुत ही अच्छी बात है. साइकोलॉजिकली आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर बहुत ही जो है वो मोटिवेशनल चीज़ें लोगों को बताई जा रही हैं, या फिजियोलॉजिकल हम किस तरीके से अपने को स्ट्रांग रख सकते हैं. वी आर नॉट एक्सक्यूज कि हमारे पास जगह नहीं है, हम बाहर नहीं जा सकते, हम सारा दिन क्या करें. यू हैव टू एंगेज योर ट्रेन एंड योर सेल्फ ताकि हम आने वाली या इस स्थिति से आराम से उभर सकें, ठीक है ना बेटा. ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और इसी को हम साइकोलॉजी कहते हैं. दिस इज द साइकोलॉजी ना बेटा, कि समय के अनुसार आपने देखा होगा कई लोगों ने बहुत सारी वीडियोस डाली होती हैं कि वो घर में ही वर्कआउट कर रहे हैं, इन अ लिमिटेड एरिया हाउ दे आर वर्किंग, या किस तरीके से वो एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को स्ट्रांग कर रहे हैं ताकि उनके बॉडी का सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से चले और उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे ताकि फॉरेन बॉडी से उनमें लड़ने की क्षमता हो. बाहर से जो बीमारियां हैं वो शरीर में क्या है, अगर एंटर कर जाती तो उनसे लड़ने की उनके शरीर में ताकत हो. डाइट जो है वो प्रॉपर लेनी चाहिए रिलेटेड टू द थिंग्स, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू एज कौन कौन सी चीजें हमारे लिए सुटेबल हैं, उनका खाना बहुत जरूरी है. ये सारी चीजें जो है इंक्लूड होती हैं बिकॉज साइकोलॉजी एंड पर्सनैलिटी रिलेट करते हैं, ठीक है ना. एक्ट जो है हमारा तभी होता है जब हम ठीक होते हैं. अगर हम खुश हैं तो इसका मतलब नहीं कि हमने सबको ही तंग करना है, या अगर हम दुखी हैं तो तभी भी ये जरूरी नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम हमारी है एंड वी हैव टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. नो डाउट इफ वी नीड अ हेल्प हम ले सकते हैं अपने गुड फ्रेंड्स की, अपने आसपास की, जिसे हम कहते हैं सोशल सोसाइटी, ठीक है ना, सोसाइटी या सोशल डायमेंशन. अब आता है पर्सनैलिटी में बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी है, ठीक है ना. टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज होती हैं. कई लोग बड़े डोमिनेटिंग होते हैं, कई लोग बड़े लीनियंट होते हैं, कई लोग हर बात पे ही रोते रहते हैं, कई बातों कई लोग हर स्थिति में अपने को हंसता हुआ या खुश रखना चाहते हैं. ये क्या है, ये नॉर्मल चीजें हैं या अलग अलग टाइप हैं. इसी तरीके से बॉडी स्ट्रक्चर का भी है कि अलग अलग, जैसे हमने लास्ट ईयर शायद प्लस वन में आपने पढ़ा था तीन टाइप के हैं, ठीक है ना. टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको तीन टाइप से शेल्डन ने डिवाइड किया है. वो था एंडोमॉर्फिक, मेसो एंड एक्टोमॉर्फ. पढ़ा था ना बेटे हमने कि अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर के लोग होते हैं और उनके स्वभाव भी उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से होते हैं. कई बार ऐसा आम होता है, हम देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स नॉर्मली मिलते हैं. जो छोटे हाइट के लोग होते हैं, जो पतले और लंबी हाइट के होते हैं, जो वेल बिल्ड और अच्छी पर्सनालिटी के होते हैं, इनके अलग अलग तरीके से बेटे इनकी पर्सनालिटी होती है और उसके साथ साथ ही इनका जो
साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली या सोशली हम कह सकते हैं ये किस तरीके से होते हैं नॉर्मल, इस तरह इनका बिहेवियर एक जैसा होता है। जैसे एंडो वाले पढ़े हैं हमने, पढ़ा था ना बेटे, जो एंडो पीपल होते हैं दे आर पियर लाइक शेप, ठीक है ना। पियर का मतलब है कि ये ऊपर से, माइंड इज एंटी नॉच। जो एंडो वाले होते हैं हम नॉर्मली पढ़ते हैं राउंड शेप के, मोटे से लोग होते हैं जिनकी हाइट ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, उनके हिप जो है वो ब्रॉड होते हैं, शोल्डर्स, तभी पियर बोलते हैं ना बेटे, क्योंकि उनके हिप जो है वो ब्रॉड होते हैं और जो शोल्डर्स हैं वो नैरो होते हैं, ठीक है। फिर उनकी जो एंकल्स या जो रिस्ट हैं, एंकल्स और रिस्ट जो हैं वो स्लिम होती हैं, पतली होती हैं, बाकी बॉडी का ये पार्ट जो होता है वो थोड़ा फूला हुआ होता है, अंडर डेवलप इनकी मसल्स होती हैं, इस तरीके के कुछ लोग होते हैं। ये तो है फिजिकल अपीयरेंस जो है वो एंडोमॉर्फी वाले लोगों की है। अब इनके साइकोलॉजिकल क्या है, ये लोग साइकोलॉजिकली किस तरीके के होते हैं, ये सोशली होते हैं, मेल जोल रखना, दूसरों के साथ, सबके साथ घुल मिल कर रहना, या इस तरीके के ये इनकी साइकोलॉजी इस तरीके से होती है। इन्हें हर टाइम मजाक या फन लविंग होते हैं, एंजॉय करो लाइफ को, इस तरीके से इनका बिहेवियर होता है। रिलैक्स्ड रहते हैं, कंफर्टेबल लाइफ ज़्यादा फील करते हैं कि अच्छी इस तरीके से ही होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं या ह्यूमरस होते हैं या बैलेंस टेम्परामेंट के होते हैं कि चलो कह दिया कोई बात नहीं, इस तरीके से वो लोग होते हैं। ये क्या है इनकी साइकोलॉजी, ठीक है। अब उसके बाद आता है मेसो। जो मेसो टाइप के लोग होते हैं वो फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक तौर पर उनके शरीर की बनतर किस तरीके से होती है, ठीक है ना बेटा, उनकी बनावट शरीर की जो है वो किस तरह, और इन सब चीजों में जो है वो बेटे किस हेरिटेज या जीन्स जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं, ठीक है। अब जो मैसो वाले होते हैं वो वेल बिल्ड होते हैं, बड़े ही ठीक अच्छे तरीके के होते हैं, उनकी जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड होते हैं, हिप नैरो होती है, यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है, मसल्स वेल मसल्स होने के कारण इनके जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड रहते हैं, गर्दन यहाँ से थोड़ी सी कम होती है, या बड़े ही कहते हैं ना हम कि किस तरीके से लार्ज हेड होना, ब्रॉड शोल्डर होना जिसके कारण, और इनकी जो वेस्ट होती है या कमर जो होती है वो ठीक ठीक होती है, ठीक है ना। ये इनका बॉडी स्ट्रक्चर है जो मैसो वाले हैं नॉर्मली, ठीक है। और इन पर मास जो है मीन्स मोटापा जो है या फैट जो है वो ज्यादा नहीं होती, ठीक है। ये एक्सरसाइज के थ्रू से जल्दी घटा या बढ़ा भी, खाने से बढ़ अगर ज्यादा जाता है तो एक्सरसाइज करके ये उसे कम भी जल्दी कर लेते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं बॉडी का, क्योंकि इसका संबंध जो है साइकोलॉजी से, इसके लिए है बेटे जैसी जैसी हमारी कैपेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। तो जो मैसो वाले लोग होते हैं वो एडवेंचरस होते हैं, ठीक है। एडवेंचरस सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, कोई भी काम करने में कि ठीक है कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। क्रिएटिविटी ज्यादा होगी, आर्टिस्टिक भी होते हैं ये लोग, क्योंकि वेल डेवलप इनके मसल्स होने के कारण इनको एक्टिविटी करने में भी बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। सोशली ठीक होते हैं ये लोग, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ विद द सोसाइटी रहते हैं। थॉटफुल होते हैं, लॉजिक इन्हें पसंद होता है, इस तरीके की नॉर्मली हम कहते हैं कि साइकोलॉजी इन लोगों की होती है। उसके बाद आते हैं एक्टो। एक्टो जो हैं वो बहुत ही पतले से होते हैं फिजिक वाइज, ठीक है, शोल्डर्स और वो मास ज्यादा शरीर पर नहीं चढ़ा हुआ होता है, और ना ही इन पर कितना भी खा लें ये जल्दी जल्दी इन पर फैट जो है बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होता इनके, ठीक है ना बेटा। अंडरवेट ही काउंट में आते हैं क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म या बॉडी का स्ट्रक्चर ही इस तरीके से होता है कि इन पर फैट्स जितना मर्जी, कई बार हम सुनते हैं ना हम कहते हैं मैम मेरा भाई है मेरी बहन है वो तो जितना मर्जी खा लें,
उसको कभी भी वो मोटी नहीं हो सकती, ये मोटा नहीं हो सकता, और मैं कुछ खाता भी नहीं हूं, पर फिर भी मुझे क्या है, मुझे मोटापा है या मेरे ऊपर फैट जो है वो बहुत जल्दी चल जाते हैं, ठीक है ना। ये नॉर्मली कहते हैं एक्टो वालों पे, खाना जितना मर्जी खा लें या जो मर्जी करें, अंडरवेट ही लगते हैं, थिन होते हैं, लुक इनकी ऐसे लगता है जैसे स्केलेटन सिस्टम हो, ठीक है ना, बहुत ही पतले पतले से ये नजर आते हैं, शोल्डर्स और हिप इनके नैरो होते हैं, चेस्ट और एब्डोमेन भी ऑब्वियसली जब थिन है तो पूरा ही इनका जो स्ट्रक्चर है वह सिलेंडर कर्व शेप का होता है। अब ऐसे लोग बिहेवियर वाइज कैसे होते हैं, ये ज्यादा किसी से बोलना पसंद नहीं करते, चिड़चिड़े से रहते हैं, इन्हें छेड़ो या तंग करो तो ये इरिटेट जल्दी हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे लोग जो हैं ये ज्यादातर इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं और थॉटफुल होते हैं लेकिन अपने में ही मस्त रहते हैं। अब ये क्या है, ये शेल्डन की पर्सनालिटी के टाइप में बताया गया है, जंग का है कि किस तरीके से लोग रहते हैं या काम करते हैं, ठीक है ना बेटा। ये अलग अलग पर्सनालिटीज